हाय लर्नर, सिक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर एक्सरसाइज 10 एरो क्वेश्चन नंबर 11 फोर्थ बिट देखिवा। नाउ अगेन 1, 2, 3 क्वेश्चन देखे ने बहुत हेल्प हम कहीं तरह बहुत सब प्रोसेस बुझाई जो ये क्वेश्चन आम टे डायरेक्ट जा राइट। अगेन देखो ये गोटे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। 5 स्टार तो मुझे देवी बट 4 स्टार हम कहीं देखो अगेन फर्स्ट टर्म रे मोर 1 आसला, सेकंड टर्म रे 2 अच्छे, थर्ड टर्म रे 3 अच्छे, तो तौर पर आमको प्रॉब्लम ना। टी ऑफ एन मुझे कौन लिख पारि ये 1/n² इंटु एन प्लस 1² ये दुटा टर्म हो गला प्लस कौट आसला ये मल्टीप्लाई 1² इंटु 2² 2² इंटु 3² राइट। क्वेश्चन एटा तो इनफाइनाइट सीरीज फाइंड आउट करे बट ध्यान देवे उपरे भी आम टर्म्स अच्छे दैट इज 3, 5, 7 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स अच्छे राइट। तो आर ये भी गोटा एपी आमर तो आर भी आमको एंथ टर्म बाहर करा पड़ो। आगर देखते 1/ सब सबु 1/1 आई रे देखते उपरे गोटे आमर सीरीज अच्छी तो कौन करेंगे सिंपल अगेन ए कौन आसमर 3 डी कौन आस 2 तो एंथ टर्म कौन आस ए प्लस एन माइनस 1 इंटु डी दैट इज इक्वल टू 3 + n-1 इंटु डी दैट इज इक्वल टू कौन आसला 3 + d कौन अच्छे 2 पुट कर दिंतु 2n-2 दैट इज इक्वल टू 2n+1 आसीगला राइट। 2n+1 आसीगला तो मुझे कौन लिख पार एंथ टर्म उपरे 2n+1 आसपे तो आप एंथ टर्म आप बुझा पड़गला कौन आसला अगेन भले कि लिखने वा थोड़ी प्रोसीजर लिखद फ्रम गिवेन सीरीज टी ऑफ एन इज इक्वल टू कौन आसीगला 2n+1 उपरे डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन रो होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म रे 1 आसी सेकंड टर्म रे 2 अच्छे पुट कर देखते आपंकर टी ऑफ एन आसीज। नाउ एठी गोटे इंपोर्टेंट ट्रिक अच्छे ये क्वेश्चन रे आपन गोटे जिनस मन रखा पड़ो दैट इज ध्यान दिंतु 2n+1 जगार एन स्क्वायर एन प्लस 1 किसी चेंज कर देखु एन प्लस 1 रो होल स्क्वायर -n² कले कौन आस देखता आमर ए प्लस बी होल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n-n² n² कटला कौन बोला 2n+1 तो 2n+1 जगार मुझे एन प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिखिपारि माइनस टर्म दरकार ना आमको आमको इंपोर्टेंट हो माइनस टर्म दैट इज कौन लिखिपारि एन प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटु एन प्लस 1 होल स्क्वायर राइट दैट इज इक्वल टू अगेन एलसीएम बाहर कले कौन हम एन प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटु एन प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटु एन प्लस 1 होल स्क्वायर ये n² कटला n+1 कटला टर्म्स कौन आसला 1/n² - 1/n+1 होल स्क्वायर टीएन कौन आसीगला आमर 1/n² - 1/n+1 होल स्क्वायर राइट। माइनस टर्म अच्छे देखा कैनसल हो टर्म्स आई होप आप बुझीगले एंथ टर्म बाहर करदे तो आपन आंसर ऑटोमेटिकली आसीगला राइट। नाउ कैनसल आउट हो इम्पोर्टेंट हूँ आम एन को ये जो स्टेप को एमती तो लिखिद पारे बट ये सब जो T1, T2, T3 कटे तो टर्म्स कैनसल होते हैं आमर ये टर्म्स यूज अच्छे राइट। नाउ चेक कर ना मैक्सिमम टाइम हो जाए ठीक है कौटी हमने आपको कह TF1 कौन हम आम 1 पुट कले 1/1² 1 - 1/2² 1/4 T2 इज इक्वल टू कौन हम 2 पुट कले 1/4 -1/3² 9 T3 कौन हम 1/9 3 पुट कले -1/16 अप टू TFn कौन हम 1/n² -1/n+1 होल स्क्वायर राइट। सिंपल प्रोसीजर सेम प्रोसीजर आम अगेन करे नाउ एस ऑफ एन एड करना सब को एड करने कौन हम आप लिखी नियंतु 1 - 1/4 ब्राकेट दरकार नहीं प्लस 1/4 -1/9 प्लस 1/9 -1/16 अप टू 1/n² -1/n+1 होल स्क्वायर ना जी मिडिल टर्म अच्छे सब कटि जाऊँ राइट। कौन बढ़ला एस ऑफ एन इज इक्वल टू 1 - 1/n+1 होल स्क्वायर बढ़ला बहुत सिंपल अच्छी क्वेश्चन राइट। तो एस ऑफ एन आम आसीगला तो कौन लिखिपर सम ऑफ इनफाइनाइट
टर्म्स विल बी लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस ऑफ एन। नाउ एन आमर डिनोमिनेटर अच्छी ये पूरा टर्म जीरो है जो पुट कर ना लिमिट प्रोसीजर लिखिए वन माइनस वन बाय एन प्लस वन रो होल स्क्वायर ब्रैकेट चेंज कर दूँ स्क्वायर कर दूँ तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट राइट दैट इज इक्वल कौन हम ये पूरा टर्म आम एन टेंस टू इनफाइनाइट पुट ये पूरा टर्म आम टेंस टू जीरो है जीवो तो बढ़ला कौन वन बढ़ला दिस इज योर आंसर एंड द सीरीज इज कन्वर्जेंट। बहुत इजी क्वेश्चन अच्छे राइट ना क्वेश्चन नंबर फाइव जो फिफ्थ बिटटा बहुत इंपोर्टेंट प्लीज ताको स्किप करिवेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे जदी ट्रिकी आसीबो क्वेश्चन नंबर फाइव में एबुटू स्टार दे दूची फाइव स्टार आस राइट क्वेश्चन नंबर फाइव के स्किप करिवेन तार गोटे ट्रिक अच्छी ध्यान दे सुनिबे राइट ये क्वेश्चन पर थैंक यू।